मुनव्वर फारूकी और विक्की भैया में बड़ी वाली लड़ाई गार्डन एरिया में देखने के लिए मिल रही है और इस लड़ाई का कारण जो है आयशा खान बनी है। आयशा खान तो चाहती ही है कि भाई सबसे तुड़वा दूं और मुनव्वर जो है इतने प्यार में डूब चुके हैं कि आयशा की बातों पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि किसी के भी साथ लड़ने चले जाते हैं। आयशा ने जो बोल दिया बस वो ही पत्थर की लकीर है। मुनव्वर का माइंड जो है इस वक्त स्टेबल नहीं है, ये चीज़ मान सकते हैं। मुनव्वर खुद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुए हुए हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, पर मुनव्वर फारूकी जैसे ही बाहर आएंगे, जब उनको क्लैरिटीज़ पता चलेगी, तब उसके बाद जो है मुनव्वर बिल्कुल आप लोगों का प्यार देख के जो है वो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। पर इस बार का मौका जो है वो आयशा ने कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर कर दिया है। अब कुछ देर पहले जो है जो विक्की भैया है वो बैठ के आयशा से बात कर रहे थे, जहाँ पर आयशा के साथ बात करने के बाद जो है आयशा ने जाके ये सारी बातें मुनव्वर को बता दी। तो मुनव्वर ने जो है वो सब चीज़ें शुरू कर दी कि आपको अगर हर्ट हुआ था, रिश्तों को लेके यहाँ पर बातें चल रही हैं कि अगर आपको हर्ट हुआ था तो आप मुझे क्यों नहीं बोल सकते थे, आप जो मेरे साथ पहले बात कर रहे थे और जो अब बात कर रहे हो तो वो दोनों डिफरेंट्स हैं, ये दोनों अलग बात है, तो आप मुझे बोल सकते थे। तो विक्की ने बोला भाई मैं तुझे क्यों बोलूँ, आखिरकार वीकेंड के वार के बाद जब हम दोनों दोस्त थे साथ में, तब तेरी मेरी बात हुई, हमने एक डिसाइड किया कि हाँ भाई दो जो गेम को इतने अच्छे से समझते हैं वो दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा दूर हो गए। पर उससे पहले जो है 5 हफ्ते तो हमारी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, सच्ची दोस्ती थी, पर उसके बाद सडनली तुमने देखा कि चलो मैं उदास घूम रहा हूँ। अभिषेक ने भी शायद आके तुम्हें बोला कि वो उदास है तो बात कर ले, तो अभिषेक ने बोला कि हाँ मैंने जाके बोला था कि वो बहुत उदास हैं, तो मुनव्वर ने बोला था कि हाँ हम बात करेंगे, इतनी बात तब बोली थी। और फिर जो है विक्की ने बोला कि मैं क्यों आता भाई तेरे पास कि मैं तुझे बताने कि मैं हर्ट हूँ, ऐसा क्यों आता, तू बस अपनी गेम में बिजी था, तुझे फीडबैक दिया गया तू टर्न हो गया, तू गेम में बिजी हो गया, तू अलग चीज़ों में बिजी हो गया, तूने बिल्कुल भी किनारा जो है वो कर दिया। तो अंकिता भी बीच में बोलती है और ये चीज़ बोलती है कि मुनव्वर वो क्यों बोलता, तूने भी तो नहीं बोला था, मैंने बैक स्टेप किया था तब उस तूने मुझे फील नहीं किया, वो नहीं किया तूने मुझे घमंड में हर जगह पर तूने मुझे रास्ते पे लेके आके खड़ा करके वो चीज़ कॉल आउट की कि हाँ आपने बैक स्टेप किया, तो आपने भी दिल से मुझे बात नहीं बोली ना। तो यहाँ पर भी मुनव्वर जो है अपनी ही बातों में फंसे जा रही हैं गोल गोल। क्यों? क्योंकि आयशा अब बैठ के चुपचाप सुन रही है कि भाई मैंने तो कर दिया, जो भी करना था, जो मैंने लगानी थी वो तो लगा दी है। मुनव्वर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं और विक्की भी अपने हिसाब से बातें कर रही हैं और मुनव्वर भी जो है अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं। पर विक्की का कहना ये है कि तेरे लिए सिर्फ गेम ही सब कुछ है, रिश्ते कुछ नहीं है, और यही बातें जो है घर में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।